हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीरो यूट्यूब चैनल। दिस इज शिवानी केसवानी और आज ही बहुत ही सैडनिंग टाइप के टॉपिक पे बात करेंगे कि हर कोई बैंक क्यों छोड़ रहा है। ठीक है, बहुत सारे लोग बैंक छोड़ रहे हैं और इवन मैंने भी SBI छोड़ी थी और मैंने उस पर एक वीडियो भी बनाया था, आप देख सकते हैं वो। उसमें मैंने बताया था कि मेरा क्या रीज़न था SBI को छोड़ने का। वर्क प्रेशर काफ़ी रहता है, ये बात भी बहुत सही है। वर्क लाइफ बैलेंस होता है या नहीं होता है ये भी बहुत बड़ा डाउट है। और आप क्योंकि अभी प्रिपेयर कर रहे हैं तो क्या वर्थ इट है या नहीं है प्रिपेयर करना, और बहुत सारा कन्फ्यूजन है माइंड में। एक सब्सक्राइबर है हमारी, उनका मैसेज आया था और उनके मैसेज पे काफ़ी सारे रिप्लाइज थे। मतलब वो अकेली नहीं है जो ये सोच रही हैं, आप में से कई सारे लोग ये चीज़ सोच रहे हो, कहीं ना कहीं माइंड में ये कन्फ्यूजन है, कहीं ना कहीं पढ़ते वक्त ये बात दिमाग में आती है कि पता नहीं जिस चीज़ की हम पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ जाने के बाद सुकून मिलेगा भी या नहीं। तो उसी पे आज हम बात करने वाले हैं और ये चीज़ हर एक बैंक एग्जाम एस्पिरेंट के मन में होती है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। तो सबसे पहले मैं तो आपको बता देती हूँ कि देखो, वर्क लाइफ बैलेंस ऐसा नहीं है कि बिल्कुल काम ही काम करवाएंगे तुमसे 24 घंटे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, कभी कभी 8 बज जाते हैं, यूजुअली कभी कभी 9 भी बज जाते हैं, लेकिन यूजुअल डेज में आपको 7 बजेंगे या 6 बजे, 6-7 बजे आप फ्री हो जाओगे। ठीक है, दूसरी चीज़ वर्क प्रेशर। तो यार वर्क प्रेशर किस जॉब में नहीं है, तुम चाहते हो यार बिना कुछ काम करे तुम्हें 60,000 दे दे सरकार, तो ऐसा नहीं होने वाला है। वर्क प्रेशर हर जॉब में, इवन SSC की जॉब्स में भी बहुत वर्क प्रेशर है। यहाँ बैंक में तो आप सिटिंग वाली जॉब करते हो, SSC में फील्ड वाली जॉब्स हैं, दे आर ऑल्सो वेरी लाइक बहुत डिप्रेसिंग है, बहुत काम है। लोग वो वाली जॉब्स भी छोड़ देते हैं, बस उसका इतना हाइप नहीं बना है। बैंक जॉब्स जो छोड़ते हैं वो यूजुअली यूट्यूबर्स बन जाते हैं, तो वो फिर बताते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हैं। बट SSC में ऐसे बहुत कम केसेस देखने को मिले हैं कि वो लोग आके शेयर कर रहे हैं, वो आपको बता रहे हैं कि हमारी जॉब भी उतना ज़्यादा अच्छी नहीं थी जो सोच के हमने कभी तैयारी की थी। और मुझे ये भी बोला लोगों ने कि मैम आप आजकल सारे बैंकर्स ही लगभग जितने हम देख पा रहे हैं YouTube पे, वो या तो व्लॉगर्स बन जा रहे हैं या फिर टीचर्स बन जा रहे हैं, तो वो बैंक से खुश नहीं है क्या, क्या उनको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है क्या, क्या उनको वो जॉब इतनी ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं लग रही है जो वो दूसरे प्रोफेशंस में एंटर कर रहे हैं। तो ये कई सारे लोगों के डाउट्स हैं। ठीक है, तो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि देखो प्रेशर है और प्रेशर हर जॉब में है, टारगेट का भी प्रेशर होता है और वो भी हर जॉब में होता है। स्लोली एंड स्टेडली अंडरस्टैंड, जो उन जॉब्स में काम कर रहे हैं उनसे पूछो आप, वहाँ पे भी प्रेशर है। यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा है, आपको पे भी उस हिसाब से मिल रहा है, आपको अकोमोडेशन मिलता है, इतना बढ़िया अकोमोडेशन कोई नहीं देता है। बैंकिंग सेक्टर में ही आपको इतने अच्छे लीज अकोमोडेशन मिलते हैं, प्लस आप अभी प्रेपरेशन कर रहे हो। जो लोग जॉब्स छोड़ रहे हैं वो बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए छोड़ रहे हैं, उनके पास ज़रूर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी। आपसे मैं पूछूंगी एक क्वेश्चन, अगर आज आपके पास बैंक PO की जॉब है और आप बढ़िया तैयारी करके RBI ग्रेड भी क्लियर कर लेते हो फॉर एग्ज़ाम्पल, या फिर SSC CGL क्लियर कर लेते हो, उसकी कोई बढ़िया पोस्ट आपको मिल जाती है जो बैंक PO से ऊपर लेवल की है, तो क्या आप नहीं छोड़ोगे जॉब? ऑब्वियसली छोड़ दोगे। अगर आप YouTube पे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स लेके एकदम मतलब बढ़िया तरीके से पढ़ा रहे हो या कुछ भी व्लॉगिंग कर रहे हो या फैशन कुछ भी आप किसी में भी इंडल्ज हो रहे हो जिसमें आपको बैंक PO से ज़्यादा अर्निंग की भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, प्लस आपका इंटरेस्ट भी आ रहा है उस चीज़ में, तो आप नहीं छोड़ोगे क्या? ऑब्वियसली छोड़ोगे। तो यहाँ पे भी जो लोग छोड़ रहे हैं वो 1-2%, 1-2% से ज़्यादा नहीं है, बाकी सारे जॉब कर रहे हैं। ठीक है, बाकी जहाँ तक मेरी बात रही और भी कई सारे लोगों की, तो कहीं ना कहीं उनका टीचिंग पैशन रहा होगा, वरना वो क्यों इतना गला दुखाएंगे यार, अपनी जॉब करेंगे वहाँ पे तो गला भी नहीं दुखता है, वहाँ पे चुपचाप आप अपना काम करते रहो, किसी पे गुस्सा आ रहा है तो निकाल सकते हो, चिल्लाना है तो चिल्ला सकते हो, इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं है, लोग क्या बोलेंगे, कमेंट सेक्शन में क्या लिखेंगे, इतना कुछ नहीं है वहाँ पे, तो ईजी है ना, तो फिर क्यों टीचिंग आके कर रहे हैं लोग?
क्योंकि यार कहीं ना कहीं उनका पैशन रहा होगा। और मेरी बात करें तो मेरा तो यार मैं होम ट्यूशन्स ले चुकी हूँ। जब मैं तैयारी कर रही थी तो मैं होम ट्यूशन्स लेके अपना खुद से खर्चा मेंटेन करती थी, 3-4 हज़ार कमाती थी, तो मेरा आराम से चल जाता था। और इवन मैं अपने भाई बहन को भी थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ खरीद के देती रहती थी। तो मेरा टीचिंग हमेशा से पैशन रहा है। तो मैंने पहले तो अपना स्ट्रैटेजीज में अपना कदम रखा कि पहले मैं तुम लोगों को बताऊं कि मैंने कैसे किया। फिर धीरे धीरे जब मुझे लगने लगा कि यार मुझे भी पढ़ाना चाहिए, इंग्लिश में मेरा अच्छा खासा इंटरेस्ट है, तो आई शुड लाइक एक्सप्लोर दिस पोटेंशियल ऑफ माइंड, तो इसलिए मैं टीचिंग में आई। और ऐसे ही कई सारे लोग टीचिंग में तभी आते हैं जब उनका कोई पैशन रहा होगा, ठीक है। और बाकी यार बैंकिंग इज़ नॉट दैट टफ जॉब, इतना ज़्यादा टफ जॉब नहीं है। बट यस, टीचिंग और एट योर ओन प्लेस जहाँ आप रह रहे हो वहीं से आप टीचिंग कर सकते हो। सिर्फ एक वाईफाई कनेक्शन चाहिए, थोड़ा बहुत पढ़ना रहता है, लोगों से प्यार करना रहता है, लोगों के क्वेश्चंस को सॉल्व करना रहता है, उससे ज़्यादा नहीं करना रहता। इसलिए इट सीम्स ईजी बट इट्स नॉट ईजी। आपको इतने सारे कमेंट्स पढ़ने रहते हैं, इतने सारे नेगेटिव कमेंट्स भी पढ़ने पड़ते हैं। सो दैट्स नॉट ईजी, इट्स नॉट अ ईजी टास्क एट ऑल। आपके व्यूज़ कम आते हैं, देन यू नीड टू वर्क फॉर दैट। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ अपलोड करने पड़ते हैं, अच्छा कॉन्टेंट लाना पड़ता है। इट्स नॉट ईजी। सो नथिंग इज ईजी इन दिस वर्ल्ड। इफ़ यू थिंक दैट यू आर प्रिपेयरिंग एंड इतना ज़्यादा आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको तो ऐसी जॉब मिलनी चाहिए जहाँ पर काम ना करना पड़े, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। So you are just wasting your time in thinking all this, ठीक है। ये सब waste of time है अगर आप ये सब सोचते हो तो। आप जहाँ तैयारी कर रहे हो तो बिल्कुल शांत मन से पहले तैयारी कर लो अच्छे से, पहुँच जाओ पहले यहाँ पे, पहुँच जाओ, टेक दिस जॉब पहले, और फिर बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए वर्क करना स्टार्ट कर दो। इफ़ यू गेट वन लीव दिस, सिंपल सी बात है, सिंपल सा लॉजिक है, यही सारे लोग करते हैं। जो नहीं तैयारी कर पाते बैंक में जाने के बाद वो यहीं रह जाते हैं, और जो तैयारी करके निकल जाते हैं वो निकल जाते हैं, वो और बेटर जगह पे पहुंच जाते हैं। कई सारे लोग मैंने देखे हैं जो SBI में PO होते हुए RBI ग्रेड भी क्लियर कर लेते हैं, CGL क्लियर कर लेते हैं, कई सारे एग्जाम्स क्लियर कर लेते हैं। तो हाउ दे डूइंग दिस? बिकॉज दे हैव दिस पोटेंशियल, दे थिंक दैट दे कैन डू समथिंग एल्स, दे कैन डू समथिंग बेटर। यहाँ पे क्यों वी जस्ट stuck here if we have this potential, तो वो अपने potential को explore करते हैं और निकल जाते हैं। But if you think so कि यार पता नहीं अच्छी होगी नहीं होगी, तो ये गलत है यार। मैंने कभी नहीं सोचा, मैंने SSC से जब bank में switch किया था, I never thought this कि पता नहीं कैसी जॉब होगी, कितना प्रेशर होगा, ये वो, मैंने कभी नहीं सोचा। मैं तो ये सोच के रखती थी कि मुझे तैयारी करनी है, मुझे एग्जाम निकालना है, that's it। आई डोंट थिंक अबाउट द जॉब, अबाउट द पे स्केल, कभी मैंने सैलरी वाले वीडियोज़ नहीं देखे। मैंने सिर्फ एक बार देखा था, एंड देट टू जब मैं तैयारी चालू कर रही थी तब वो नया नया पे स्केल बढ़ा था बैंकिंग जॉब्स का, 10,000 से सैलरी बढ़ गई थी, मैंने सिर्फ तब देखा था। उसके बाद मैंने कभी नहीं देखा कि इसका जॉब में कितना पैसा मिलता है, क्या होता है क्या नहीं होता, कुछ नहीं देखा भाई। सिर्फ तैयारी करी और बिल्कुल सच्चे मन से तैयारी करके पहले ले ली, फिर जब बेटर अपॉर्चुनिटी मिली तो इसको छोड़ के दूसरी ली, अब अगर बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो ये भी छोड़ दूंगी। सिंपल सी बात है, ये हर इंसान करता है। हर इंसान को करियर प्रोग्रेशन चाहिए, और आपको भी चाहिए। आप कोई दूध के धुले नहीं हो कि इस ऑर्गेनाइजेशन में चले गए तो अब नहीं निकलेंगे, क्योंकि हमारा और लॉयल्टी है उसके साथ, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। हर कोई अपने लिए लॉयल होता है, हर कोई अपने लिए बेहतर चाहता है, और बेहतर की तलाश करते करते मेहनत भी बहुत करता है, ठीक है। अभी मैं भी बहुत मेहनत कर रही हूँ, तब जाके आई एम ग्रोइंग इन माई सेल्फ। तो आप भी मेहनत करो, सबसे पहले ये ले लो, उसके बाद मेहनत करके कुछ बेहतर ले लेना। लेकिन पहले ले तो लो, पहले अपने पैरों पे हो तो जाओ, पहले अपने पैरों पे हो के देन डिसाइड। अभी तो यार अपने मम्मी पापा से खर्चा ले रहे हो, अपना मुश्किल से खर्चे काट रहे हो, और फिर जाके ये सोच रहे हो कि पता नहीं अच्छी होगी नहीं। नो कन्फ्यूजन्स नाउ, अब सिर्फ तैयारी पे फोकस करो, अच्छे से तैयारी कर लो। अगर नहीं है, देखो इतना ज़्यादा डाउट आ रहा है तो स्विच करो, स्विच योर प्रिपरेशन टू सम अदर एग्जाम। बट अभी इतना सब सोचने का वक्त नहीं है, अभी सिर्फ तैयारी करके जॉब ले लो, उसके बाद बेहतर तैयारी करना। उसमें भी मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी हेल्प करूँगी। RBI के एग्जाम्स मैंने दिए हैं, उनका आपके साथ शेयर करूँगी किस तरीके से आप क्लियर कर सकते हो, बट पहले क्लियर कर लो, ठीक है। बाकी
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब करो सबसे पहले तो। इतने अच्छे अच्छे वीडियोस मैं तुम लोगों को प्रोवाइड करती हूँ, पढ़ाना शुरू कर दिया है बैंकिंग के और दूसरे एग्जाम्स के लिए इंग्लिश पढ़ाने लगी हूँ, उसमें इतने अच्छे अच्छे टॉपिक्स तुम्हें पढ़ा दिए, पैराजम्बल पढ़ा दिया, वर्ड स्वैप पढ़ा दिया, फिलर्स पढ़ा दिए, एरर्स पढ़ा दिए, आगे और भी क्लासेस लूँगी, डेली बेसिस पे क्लास अपलोड हो रही है, स्टिल यू डोंट वॉन्ट टू सब्सक्राइब। इतने सारे लोग वीडियोस देख रहे हैं, 20% लोग सब्सक्राइबर्स हैं, 80% लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर दो यार, पैसा थोड़ा ना लग रहा है, सब्सक्राइब कर दो। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए टेक केयर, बाय बाय।